दोस्तों मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होता है, जिसके वजह से वो बार बार एग्ज़ाम में लगातार गलतियाँ रिपीट करते रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये सब क्यों ना एक चैनल बनाऊं और उस पर ये कॉन्सेप्ट्स पे बात करूं, और जो लोग गलतियाँ जो करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स को इतने क्लियर ढंग से उसमें बतलाऊं कि लोग वैसा गलती रिपीट ना करें, उनके दिमाग में वो बैठ जाए जो भी मैं बताऊं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जो कुछ भी मैंने अपने चाइल्डहुड में समझा हुआ था वो मुझे आज भी समझा हुआ है, वो मुझे याद है, दिमाग में बैठा हुआ है बिल्कुल। लेकिन जो कुछ भी मैंने रटा था वो मैक्सिमम चीज़ मैं अब भूल चुका हूँ, या फिर बार बार उसको देखना पड़ता है, अगर उसमें कुछ भी अगर ऐसा पढ़ना होता है या बताना होता है तो इसलिए मेरा कोशिश यही रहेगा इस चैनल के माध्यम से कि मैं हर एक चीज़ को आपको समझा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपके दिमाग में बैठा सकूँ, कॉन्सेप्चुअली क्लियर बिल्कुल कर सकूँ आपके हर एक टॉपिक से रिलेटेड। क्योंकि आपने वो 3 इडियट्स मूवी तो देखा ही होगा, मैंने कई बार देखा है, 10ों बार शायद, और आज भी टीवी पे आता रहता तो मैं देखने बैठ जाता हूँ। उसमें मुझे रैंचो का कैरेक्टर इसीलिए बहुत इंस्पायर किया था, जिसमें वो डायलॉग नहीं बोलता है कि बच्चा रट्टा मार के तो कुछ साल अपने ज़िंदगी की इज्जत बचा लोगे, लेकिन बाकी ज़िंदगी तुम्हारा यह इंसल्ट होता रहेगा। तो वो बात बहुत मुझे टच किया था और मुझे सही भी लगा था, मुझे भी ऐसा फील हमेशा से होता रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने इस चैनल के ज़रिए, इस चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, और बेसिक से लेके हायर जितने भी कॉन्सेप्ट है उस पर बात किया जाए, और आपको आसान भाषा में जितना भी हो सके, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आसान से आसान भाषा में आपको चीज़ें समझा दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस जो भी थोड़ा बहुत डाटा है या फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो सब बस थोड़ा बहुत रटने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी मैक्सिमम चीज़ बस आपको समझ के रखना पड़ेगा। जो भी मैं बताऊंगा ऐसा बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़। अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को क्लियरिफाई पूरा पूरा क्लैरिफिकेशन के साथ कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे एक टॉपिक को। ओके, फिलहाल के लिए अभी इतना ही, थैंक यू।